हे गाइस इट्स बैक टू अनदर एपिसोड एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली और आज के की जो हमारी सबसे बड़ी अपडेट है ना वो आती है यहाँ पर बेलिंगम को लेके और इस समय कहीं ना कहीं देखो यार हमको पता है कि समर 2023 में तेईस में रियाल लिवरपूल तो कंफर्म कंफर्म है कि ये दोनों तो भिड़ने वाले हैं कि बेलिंगम का सिग्नेचर किसको करवाना है लेकिन डेफिनेटली आई थिंक जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी का भी है वो यहाँ पर पीएसजी का भी है और वो यहाँ पर मे बी बाढ़ का हु नोट लेकिन डेफिनेटली अगर हम आज के अपडेट की बात करें तो रियाल मेडिड ने ऐसा लग रहा है कि भाई हर चीज प्लान कर रखी है अब देखो जब भी रियाल वर्ल्ट का किस्सा आता है ना वो भी ऐसे डेढ़ सौ सौ मिलियन के आसपास की तो फटती है भाई लाइक हालेंड के लिए निम्बापे वाले किस्से के बाद तो लगती है लेकिन ठीक है फिर कभी कभार पता भी चल जाता है कि हाँ चुआ मही जैसी अगर हम डील्स की बात करें तो सक्सेसफुली यहां पर जो रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी है वो उन्होंने डिप्लॉय करी है अब यहां पर मार्स आज रिपोर्ट करता है कि जूड बेलिंगम को लेकर ना जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है डॉटमुंड में अब डॉटमुंड चाह रहा है कि जूड बेलिंगम एक्चुअली में अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्सटेंड कर दे अब देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करवाने के क्लब के पीछे दो कारण हो सकते हैं स्पोर्टिंग और इकोनॉमिक इकोनॉमिक का तुमको पता है यार मेरे को डॉटमुंड का जो स्ट्रक्चर है मतलब वो उनके लिए इकोनॉमिकली अच्छा है बट अगर आप कॉम्पिटिशन को देखोगे तो डॉटमुंड को कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करता आता है कोई संभाल लेता है वो उसको बेच देते हैं फिर वो दूसरा कर लेते हैं तो इस तरीके से वो जो है ना वो बिजनेस चला रहे हैं हाँ, मतलब ठीक है इकोनॉमिकली बढ़िया है जैसे मैंने कहा कि लेकिन कंपटीशन वाइज अच्छा नहीं है दूसरा होता है स्पोर्टिंग रीजन कि डेफिनेटली आपको पता है कि जूट बेलिंगम की जो पोटेंशियल है जिस पर बात भी करेंगे जब इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी के मैच का रिव्यू करेंगे कि यहां पर आपको पता है कि बेलिंगम का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है ऐसे में आप सही में उसको स्पोर्टिंग रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा सकते हैं लेकिन रियाल मड ने ऐसा ऐसा बताया जा रहा है ऐसा रिपोर्ट किया जाएगा रियाल मंडट ने यहाँ पर बेलिंगम के रिप्रेजेंटेटिव को कह दिया कि भाई तुमको काउंटर रिन्यू करने की कोई जरूरत नहीं है अब इसके पीछे कहीं कही ना कहीं देखो यार तुमको पता है कि पैसा लिवरपूल भी फेंक सकती है स्टार्टिंग इलेवन यहाँ पर लिवरपूल भी दे सकती है और रियाल मेडिट भी स्टार्टिंग लाइन दे सकती है और यहाँ पर पैसा भी फेंक सकती है देखो स्टार्टिंग इलेवन इसलिए क्योंकि जहाँ तक हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रियाल मेडिटी के पास ऑलरेडी मिडफील्ड है बहुत सारे मिडफील्डर्स हैं काशीमीरों चला गया लेकिन उसके बाद हमारे पास सबायोस है मॉड्रिच है क्रूज है देन हमारे पास चुआमैनी है वलवर्दे है कामा मंगे लेकिन उसमें से हमको ये पता है कि सबायोस की अगर हम बात करें तो उसका अभी कंफर्म नहीं है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा साथ ही अगर हम यहाँ पर टोनी क्रूज और लुका मॉड्रिच की बात करें तो शायद से दो उनका लास्ट सीजन हो सकता है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है और ऐसे में जूट बेलिंगम के पास बिल्कुल एक मतलब रेड कार्पेट बिछा हुआ है कि वो रियाल मेड की द मोस्ट डोमिनेंट मिडफील्ड में से एक बन सकता है मतलब उसका एक पार्ट बन सकता है तो ये है खैर अभी तो ये बताया जा रहा है कि डेढ़ सौ मिलियन का रिलीज क्लॉज है यहाँ पर बेलिंगम के कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे को लगता नहीं यार डेढ़ सौ मिलियन बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई लाइक सीरियसली डेढ़ सौ मिलियन काफी ज्यादा हो जाएंगे लेकिन हाँ ठीक है मतलब चुआ महीने के लिए जहाँ हमने अस्सी के या फिर साठ सत्तर अस्सी के हमने सौ दिए तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर भी बजट खर्च कर ही देगी और डू आई केयर लेकिन इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं अब थोड़ी सी पी एस सी के ट्रायो से तो भाई कल हमने नेमार वाला किस्सा डिस्कस करा था लेकिन हम दो किससे भूल गए और खैर आज इसका पॉइंट भी बनता है क्योंकि रिसेंटली ले, लेनल ले ले मेसी ने एक इंटरव्यू में केलेन एम्बापे के बारे में काफी अच्छे अच्छे शब्द कहे सबसे पहले लेनल मेसी ने केलेन एम्बापे पे एक आए कि देखो यार उसने अच्छी अच्छी तारीफ करी एम्बापे की कि एम्बापे जो है भाई एम्बापे आने वाले टाइम में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स निकलेगा एम्बापे बहुत सही है हम क्रिएट कर देते हैं वो बरी करता है एम्बापे स्कोर करता है एम्बापे फिनिश करता है और एम्बापे काफ़ी ज़्यादा रिलायबल प्लेयर है यह सारी तारीफ अच्छी हुई ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंस तब रखती है क्योंकि ये आपको लियोनल मेसी का स्टैंड दिखाती है ये आपको लियोनल मेसी का उसका लाइक आपको बिहेवियर की हम बात करें या फिर किस तरीके से वो यहाँ पर अपना एटीट्यूड रखता है पी के ड्रेसिंग रूम में वो भी आपको कहीं ना कहीं दिखाता है हाँ ठीक है मतलब अफकोर्स कुछ भी हो सकता है लेकिन स्टिल एटलीस्ट हम लियोनल मेसी के इंटरव्यू को देखते तो यही एक्चुअली में प्रटेंड कर सकते हैं अब देखो यहां पर अगर हम केलन एम्बापे और नेमार खुद की बात करें तो मैं भूल गया था कि एक्चुअली में केलन एम्बापे ने भी सिमिलर सा एक इंटरव्यू दिया था नेमार के रिगार्डिंग जिसको माना जा रहा था कि उसने नेमार पर डिक किया है, जब उसने ये कहा था कि एक्चुअली में मेरे को मिलती है। पी ए, फ्रांस में खेलते हुए राजनीत पी में खेलते हुए ठीक है मतलब ठीक है उसने ये चीज कहा है। उसने कहा है कि देखो यार अब फ्रांस में टैक्टिकली मेरे को काफी ज्यादा फ्रीडम मिलती है मैं क्रिएटिव स्पेस में जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ वहीं मेरे को पी एच जी में लाइक पी एच जी में मेरे को पिवट में खेलने को ऐसा कैसे हो सकता है यार मतलब तो पी एट पीवेट में कैसे खेल सकता हूँ मैं गाल्टर को निकालना पड़ेगा पॉजिटिव रखना पड़ेगा मतलब इस तरीके से यहाँ पर अकेले एम्बापे ने नेमार पर डिग लेते हुए ये चीज़ कहा था और जब देखो यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि एम एस का काफी इंपॉर्टेंट है वो इसलिए क्योंकि आपको पता है जब नेमार और केलेन अम्बापे दोनों एक दूसरे पर एलिजिटली डिग ले रहे हैं ऐसे में नेमार ने आप मेसी ने यहाँ पर कन्फर्म कर दिया कि वो इस टू तू मैमे में नहीं पढ़ रहे वाला उस पर और भी काम है उसको वर्ल्ड कप भी अर्जेंटीना को जितवाने में मदद करनी है तो डेफिनेटली उस पर इतना वो नहीं है उसको और भी ज्यादा काम है लेकिन इसी के ज्यादातर बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर एरिक कैंटोना की तो भाई यहाँ पर किंग कैंटोना ने मैनचेस्टर लेजेंटी टू सेवन तक जिन्होंने यहाँ पर हमको चार प्रीमियर लीग टाइटल जितवाया उनका रिसेंट इंटरव्यू आया और उन्होंने सबसे पहले तो देखो यार देखो यार वो बंदा ना खुला वो खुला खुल्लम बोलता है भाई उसने सीधा बोल दिया कि देखो मैं वर्ल्ड कप को प्रमोट कर ही नहीं सकता और तुमको पता है कि यार वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है इट्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस ह्यूमन राइट्स की अगर हम बात करें या बाकी अगर हम चीजों की आ, बाकी फ्रीडम राइट्स की हम बात करें तो काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा लगा रहता है तो उन्होंने यहां पर इस चीज को कहा कि देखो बाकी के अगर हम बड़े प्लेयर्स की बात करें ना तो वो कोई अगर उसको प्रमोट कर रहा है ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है ऐसे में यहाँ पर डायरेक्ट दिखता है ये चीज़ कि डेविड बैकम पे जिन्होंने अभी शायद एक मल्टी मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए कतर के साथ कि वो उनके एम्बेसडर वगैरह बनेंगे साथ ही लेकिन जब काफी इंटरेस्टिंग चीज कैंटोनर ने बोली ना वो ये थी कि उसने एक्चुअली में मैनचेस्टर यूनाइटेड को प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल की पोस्ट यहां पर ऑफर करी थी प्रपोज करी थी कि आपने एक काम करो आप मार्केटिंग का एक अलग रखो आप एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग रखो लेकिन आप फुटबॉल का अलग रख दो आप वुडवर्ड का अलग निपटाओ उसको और आप बाकी का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो आपको बख्शुदी करनी है आप वो अलग चीज करो लेकिन आप स्पोर्टिंग का फुटबॉल का एक डायरेक्ट एक प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल रख दो क्रिएट करो और मैं यहाँ पर अपनी सर्विस ऑफर करने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर उसने चीज भी कही कि सबसे पहले वो सर एलेक्स फर्गसन के पास गया था वहां पर उन्होंने इस चीज को बताया कि भाई देखो मेरे पास ऐसा आइडिया है सर ने आइडिया पसंद आया उन्होंने पर वुडवुड से बात करवाई लेकिन एक्चुअली में यूनाइटेड ने इस चीज को मना कर दिया था यूनाइटेड ने यहां पर इस जॉब को क्रिएट प्लस देने से ही इंकार कर दिया उसने कहा नहीं, नहीं 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 ये तो बड़ी करेगा एडवुडी को बहुत आता है तो यहां पर एक्चुअली में उसने किंग कैंटोनो ने यहां पर ये भी चीज कहा कि देखो मेरा रोल है कि मैं यहां पर लोगों को बताऊ कि ऐसा हुआ था मैंने अपनी सर्विस ऑफर करी थी और उन्होंने और भी चीज कहा कि अगर मैं डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ फुटबॉल बनता तो मैं बहुत बहुत बढ़िया काम कर सकता था खैर मतलब हम एटलीस्ट एक एक्स से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वुडवर्ड क्योंकि वुडवर्ड देखो पैसों में अच्छा खेलता है ठीक है रिक्रूटमेंट स्ट्राटेजी सबको पता है पेपर पे छापी पड़ी है साथ ही यहाँ पर उन्होंने भी चीज कही कि मेरे को मैसेडर का रोल इनवाइट दिया गया था लेकिन मैंने उस चीज को डिनाई कर दिया लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आप थोड़ी सी उस्मान डेम्बेले को लेकर देखो अब जेराड रोमेरो की हम बात करें तो देखो ये कहानी असेंसी और डेम्बेले दोनों से जुड़ी हुई है अब रिसेंटली यहाँ पर अगर बार्सिलोना के जो क्रिएट जो सेटर्स है न्यूज आउटलेट्स है अगर उनकी बात करें तो यहाँ पर ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि उसमान डेम्बेले को ही अबसेल कर सकते हैं मतलब ये क्या है ये ये सिक्का वो चल रहा है कि डाइस कई लूडो खेल रहे हैं लोग मेरे को समझ में नहीं आता बट ठीक है हमारा काम है कॉन्टेंट बनाना अब देखो रिसेंटली होता है कि अगर हम ये आ रहे हैं यहाँ रिपोर्ट आउटलेट की बात करें तो उन्होंने यहां पर यह चीज़ रिवील करी है कि उस्मान डेम्बेले का देखो अभी तुमको लग रहा है कि सब स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी है लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उस्मान डेम्बेले ने सिर्फ दो साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा है और ऐसे में बार्सिलोना उसको सेल कर सकती है क्योंकि कहीं ना कहीं बार्सिलोना को वापस से लग रहा है कि जो उस्मान डेम्बेले का एजेंट है वो वापस से नैन मटक का कर रहा है बाकी क्लब के साथ कि उसको यहां पर ज़्यादा पैसे मिल जाए जस्ट अगर साइनिंग ऑन मोडर्मस उनको पता है कमीशन मिलता है एजेंट को तो वो यहाँ पर ये चीज़ खाने के चक्कर में है तो अभी डेफिनेटली यहां पर बार सौ इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए शायद से उस्मान डेम्बेले को उसके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 12 महीने पहले ही यानी कि समर 2023 में सेल कर सकती है और ऐसे में जो उन्होंने रिक्रूटमेंट रखा है वो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मार्को असेंसियो है देखो ये चीज़ तो कंफर्म है कि 2023 में जिन जिन के भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं रियल मेडिट में उनका एक बार को चांस हो सकता है लेकिन मारियानो और असेंसियो दोनों में से एक भी बंदा ऐसा नहीं है जिसका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने के दस परसेंट भी चांस है एज ऑफ नाउ तो दस परसेंट भी चांस नहीं है और ऐसे में तुमको पता है कि अगर हम यहां पर जॉर्ज मंडस की बात करें जिसकी लपोरता से काफी अच्छी बनती है तो यहां पर बताया गया कि ऑलरेडी सर्विसेज ऑफर कर दी गई हैं। हा एवर जेराड रोमेरो की अगर हम बात करें जेराड रोमेरो ने चीज पर कहा कि देखो एज ऑफ नाउ यहां पर एसेंसियों के साथ तो कुछ भी नहीं है रही बात उस्मान डेम्बेले की तो वो अभी तक यहाँ पर ऑफिशियली कुछ आया नहीं है की तरफ से भी कोई टिप नहीं मिली है मैं चाहता तो मैं का बताया था, लेकिन मैं पूरी स्टोरी की, बताया की के साथ चल रहा है you, थोड़ा सा नहीं उसके पीछे रीजन ये तो 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 की शायद से ये कहानी सही हो सकती है की उसका एजेंट चुटियाबंदी करेगा और वो करेगा लेकिन मेरे को लगता है कि अब जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट उस्मान के अराउंड घूम रहा है ना उसमें और दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है एक्चुअली में मेरे को लगता है कि दोनों पार्टी अगर सदबुद्धि में बैठेंगी ना तो नेगोशिएशन और यहाँ पर आंसर निकल जाएगा लेकिन इसी के साथ पे बात करते हैं अब थोड़ी सी करीम बेंजिमा को लेकर तो ये बेंजिमा की जो इंजरी है अब कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है और औसत सुनो के अगेंस्ट वो यहाँ पर खेलने वाला है विच इज अग बिग बूस्ट और भाई सबसे बड़ा बूझ तो भाई तभी लगेगा जब करीम मंजिमा आते ही भाई एक दो गोल मार दे भाई लिटरली उसका जो गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड है ना वो भाई बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए डेफिनेटली नहीं टूटना चाहिए नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं हम दो मैचेस की सबसे पहले बात करते हैं पर पोर्चुगल वर्षे स्पेन के प्रिव्यू को लेकर तो भाई यहां पर अगर हम टेबल की बात करें तो पोर्चुगल नंबर वन पे है स्पेन नंबर टू पे अगर यहाँ पर आज पोर्चुगल ड्रॉ कर लेती है या फिर अगर अगर जीती जाती है तो यहां पर वो नेशन लीग के फाइनल में जा सकती है अगर हम यहाँ पर स्पेन की बात करें तो देखो स्पेन भी अपने लिए सब बढ़िया कंफर्टेबल रख लेती अगर वो स्विट्जरलैंड को हराती लेकिन स्विट्जरलैंड ने उनको यहां पर अपसेट कर दिया जिसके बाद डेफिनेटली लुइस एनरी के तो आग बबूला हो गए ऐसे ऐसे मतलब किसी ने जेब कर, जेब मार लियो मेट्रो पे लेकिन यहां पर अगर हम इस मैच की हम बात करें ना तो इस मैच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है देखो सबसे पहले अगर हम स्पेन की बात करें तो स्पेन में यहां पर डेनिकावाहाल और मार्कोस लोरेंटे दोनों ही प्लेयर यहां पर इस स्टार्टिंग लाइनअप में अपनी जगह बनाने वाले हैं विद आई थिंक ऑल बार्सिलोना मिडफील्ड यहाँ पर पेडरी गावी एंड सर्जियो बिस्किट्स हमको मिडफील्ड में दिख सकते हैं इसके पीछे का रीजन यहाँ पर यह है कि अगर हम कारवाल और मार्कोस लोरेंटे की बात करें तो उसको स्विजरलैंड के अगेंस्ट बिठाया इसलिए गया था जिससे वो यहाँ पर पोर्चुगल के अगेंस्ट खेल पाए साथ ही अगर यहाँ पर अलवारो मोराटा की बात करें तो उसका अभी कन्फर्म नहीं है कि मोराटा खेलेगा या नहीं खेलेगा फेरन टॉरस आएगा लाइक तो मैं क्यों बता देता हूं तो मैं प्रिडिक्शन में भी बता दूंगा स्पेन अटैक वाइज काफी ज्यादा कंफ्यूज और लाइक like बेम्बूजल्ट लग रही है होनी नहीं चाहिए वो अभी तक इसलिए नहीं होती क्योंकि एक्चुअली में स्पेन का अगर तो तो साथ ही बात करें अब की देखो अब ना कॉन्फिडेंस आ रहा है देखो मेरे को पता है कि मैं बहुत बड़ा बैट खेल रहा हूं मैं जुआ खेल रहा हूं फर्नांडो सेंटोस पे लेकिन फिर भी यार अगर पिछले चार में से तीन मैचेस में हम यहां पर शीट रखने में कामयाब रहे हैं विच इज वेरी वेरी गुड उसके साथ ही अगर बात करें कि इस मैच की तो

दो रीज़न है और एक रीजन तो इंग्लैंड वर्सेस जर्मनी में भी बता दूंगा वो इसलिए क्योंकि इसके बाद हम उसको सीधा वर्ल्ड कप में देखने वाले हैं आप पोर्चुगल की जर्सी पहनते हुए तो डेफिनेटली होता है यार एक एक प्रॉपर सेंड ऑफ होता है और पॉर्चुगल के होम में मैच हो रहा था एक एक चाहिए यार वो फैंस के सामने एक वो सेंड ऑफ़ चाहिए कि ठीक है एक आप जब वर्ल्ड कप से पहले जो लास्ट मैच है उसमें आप ऐसा कर दो कि डेफिनेटली जो हेडलाइन है और तुमको पता है यार कि जो फैंस और मतलब जो हाइप होती है वो रिसेंटली बायस पे बहुत ज़्यादा होती है रोनाल्डो नीड्स टू बरी दिस अपॉर्चुनिटी और उसको बरी करने के लिए डेफिनेटली देर इज नो चांस उसको स्टार्टिंग लेवल में क्यों ना रखा जाए देर इज एवरी चांस कि रोनाल्डो को यहाँ पर पोर्चुगल की स्टार्टिंग लेवल में रखना चाहिए और जिस तरीके से वो खेल रहा है मैंने उस पर कल शॉर्ट्स भी बनाया टू मेक श्योर आप शॉर्ट्स देख लें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर चीज हो रही है रोनाल्डो को रिगार्डिंग मैं सही बता रहा हूँ बुरी सी बुरी और अच्छी सी अच्छी लेकिन एक ही चीज़ नहीं हो रही और वो ये है कि रोनाल्डो स्कोरिंग शीट पर नहीं आ रहा और उसको आज आना पड़ेगा वो इसलिए भी है क्योंकि एक्चुअली में हम ये मान सकते हैं कि मैनचेस्टर तो यूनाइटेड में तो बहुत ऊपर नीचे चलेगा देखो मैं कह रहा हूं नीचे ही नीचे चलेगा बिकॉज एरिक एरिटन है गॉट अ जॉब और उसको उसके सुटेबल प्लेयर ज्यादा मिल रखे हैं मार्कस राइट की हम बात करें या फिर हम एंथनी मार्सियल की बात करें तो वो तो इसमें मतलब वो तो लूडो खेलेगा अगर तीन आ गया तो रोनाल्डो दो आ गया तो यहाँ पर मार्शियल और पहला आ गया तो यहाँ पर मार्कस राइट वो तो लूडो खेलने के चक्कर में लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर सेंटोस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड है और उसको पता है कि यार ये जो टूर्नामेंट है ना ये ये रोनाल्डो करवा सकता है कुछ ना कुछ तो कर सकता है कुछ ना कुछ जादू टोना कर सकता है और अगर हम बात करें प्रोडिक्शन की तो देखो मेरा प्रोडिक्शन पोर्चुगल की तरफ ज्यादा बेड करेगा स्कूल लाइन करूंगा लेकिन मेरे को लगता है कि ये मैच पोर्चुगल जीत सकती है और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जहा स्पेन एक्चुअली में यहाँ पर अगर हम बात करें अटैकिंगली तो काफी ज्यादा क्लिनिकल नहीं रही है वहीं पोर्चुगल का डिफेंस की हम बात करें तो वो काफी ज्यादा रॉक सॉलिड दिख रहा है बट जाओ कैंसर एक्चुअली स्टार्ट स्टार्टिंग लाइनअप में आ रहा है तो हम यहाँ पर क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं सबसे बड़ी चीज़ होगी कि क्या रोनाल्डो स्कोर करेगा या नहीं करेगा और किस तरीके से जो हमने यहाँ पर ब्रूनो फर्नांडिस और बर्नार्डो सिल्वा के बीच की जो केमिस्ट्री देखी थी अगर वो रेप्लिकेट होगी तो डेफिनेटली पॉर्चुगल जो पलड़ा है वो काफी ज़्यादा भारी है रिगार्डिंग द फैक्ट कि आई थिंक स्पेन के सिर्फ अटैक को ही नहीं काउंट करना चाहिए उनके डिफेंस को और उनका ये जो ऑल मिडफील्ड है जो कि सबको पता है कि की मिडफील्ड कितनी तगड़ी है वो यहां पर बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है पोर्चुगल को सो डेफिनेटली आई थिंक का डिफेंस है वो बहुत बड़े टेस्ट में लेकिन फिर भी मेरे को लगता है कि पोर्चुगल को ज्यादा प्रेफर करता हूँ लेकिन इसी के ज्यादातर बात करते हैं लास्ट अपडेट की वो आती है इंग्लैंड वर्सेज जर्मनी को लेकर जरूरी था जरूरी था इंग्लैंड को लेकर अब देखो यार इट्स नॉट अ बॉलीवुड फिल्म आपको हमेशा पेंडिंग मिलेगी <laughs> और नहीं, ये मसाज है तो यहां पर कहीं ना कहीं देखो इंग्लैंड का सीन ऐसा था कि यार इंग्लैंड ने यहाँ पर दो जीरो डाउन गए फिर दो तीन से यहाँ पर लीड करने लगे लेकिन फिर यहां पर निक पोप ने भाई ने ऐसे 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 बॉल छेड़ छोड़ दी ये, ये ले मार ले का, एवर्ट का बहुत अच्छा स्क्रीमर आया लेकिन अगर हम दो तीन टॉकिंग पॉइंट्स की हम बात करें सबसे पहले तो ये चीज है भाई बुकोय साका इज समथिंग एल्स बेलिंगम भी समथिंग एल्स है लेकिन बेलिंगम बहुत ज्यादा वो का बनेगा लेकिन बुकोए साका भी भाई देखो बेहतरीन आदमी है बुकोए साका इतना सीमलेसली और इतना एफर्टलेसली खेल रहा था ना मतलब लग रहा था यार इतना स्मूथ खेल रहा है वो बंदा दूसरी चीज यहां पर यह है कि आपको पता है जब बुकोए साका तो आप उसको बेंच पे काहे बिठा रहे हो काहे बेंच पे बिठा रहे हो डोंट ओवर एक्सपेरिमेंट डेफिनेट भाई बुकोयसाका वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक जानी जा रही है अपने से और उसका फायदा पर दिख भी रहा है कि गहरा साउथ उठा सकता है दूसरी चीज भाई मैगवायर बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा था लेकिन फिर याद आया कि उसके टी शर्ट पर मैगवायर लिखा है तो फिर मैगवायर ने कहा कि नहीं अब तो कुछ तूफानी करना है टैकल मार दिया फिर पेनल्टी भी दे फिर खा भी लिया और फिर हंस भी दिए <laughs> और फिर अब आके कैप्टन आम भी पहन लेंगे यूनाइटेड में मैग्वायर का यार सीजन ना मतलब बहुत अजीब सा लग रहा है मतलब मैग्वायर को ना नो ना अपरिजित है वो दो वो दो पर्सनैलिटी है वो एक डिफेंडर और एक मैग्वायर है जब वो डिफेंडर के ऐसे खेलता है बहुत सही खेलता है लेकिन जब वो मैग्वायर बन जाता है ना तो मतलब देखो उस पर बहुत क्रिटिजम आएगा और वो इसलिए आएगा क्योंकि वर्ल्ड कप ना लाइक like मोमेंट्स का गेम होता है अगर जो मोमेंट्स आपने दिए हैं वो अगर आप बार बार देते रहे तो फिर आपके तो हजार की लड़ी आपकी गांड पे लगा के फोड़ देंगे यहाँ पे लोग बाकी ओवरऑल ये मैच काफी इंपॉर्टेंट था जर्मनी से अगर मैं एक पॉइंट की बात करूं तो देखो यहाँ पे सीधी सी बात है जर्मनी नीड्स या नंबर नाइन नीड्स का क्या मतलब ट्रांसफर मार्केट में थोड़ी जाएगी लेकिन जर्मनी के पास नंबर नाइन नहीं और वो दिख भी रहा है आप बस घुमा रहे हो बॉल को घुमा रहे हो घुमा रहे हो घुमा रहे हो लेकिन आपके पास एक फॉक्स इन द बॉक्स नहीं है सो so डेफिनेटली उसका जो प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पर अंसिप्लिक को होती हुए दिख रही है बाकी दर्शन बहुत इस एपिसोड आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें आपको इसे फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा तब तक चले स्टे टू स्टेट नेक्स्ट एपिसोड